दिखाया तो उन्होंने सलाह दी कि जाओ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में दिखाओ। वहाँ दिखाया तो वहीं चार्ज भी निकली, तो वहाँ से रिफिल कर दिया बरेली ले जाने के लिए। सब लोगों ने कहा कि ले चलो, तो चलो बरेली चलेंगे। तो सुबह बरेली जा रहे थे, रास्ते में ब्लड ख़त्म हो गया। ये क्या पूरा मामला है? हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया है। ये मंडे को ये इससे ये 3 साल का बच्चा आया था जांच कराने। इससे पहले इनका कहीं पे प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा था, क्योंकि बचपन से ही काफ़ी कमज़ोर था। तो उस वहाँ पे जब जांचें कराई गई तो उसमें कुछ पॉजिटिव आया, तो उन्होंने जिला अस्पताल के लिए भेजा। जिला अस्पताल में आने पे यहाँ पे ICTC सेंटर गया और उसके बाद वहाँ पे जांच की गई। जांच में उसको पॉजिटिव पाया गया और साथ में उसके मदर का और उसके भाइयों बहनों किया गया, तो वो पॉजिटिव नहीं था। और उसकी माँ जो है 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से इसमें जो बच्चे में चांसेस हैं कि वो पेरेंटल हुआ मदर से जो है बच्चे में, ये इसके आने के चांसेस हैं। सर, इस तरीके की बीमारी के लिए क्या रोकथाम की जाएगी? अब इसके बचाव के लिए जो बचाव से संबंधित हैं कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराना चाहिए, इन्फेक्टेड सिरिंज नीडल से बचाव करना चाहिए, और साथ साथ में जो इन्फेक्टेड मदर्स हैं तो उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका उपचार कराया जाता है, वो उसको समुचित करा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है इन्फेक्टेड नहीं हो। लेकिन हो सकता है इसमें इस टाइप की जानकारी ना आई हो और उसके बाद में ये बच्चा जब से पैदा हुआ है संज्ञान में आया है कि अक्सर बीमार रहता था, और बीमारी के उपरांत ये उधर उधर प्राइवेट जांच कराते रहे और यहाँ पे जब आए तब प्रॉपर जांच की गई और उसमें जो पाया गया कि इस तरीके से पॉजिटिव थी। ये बचाव की ज़रूरी है कि जो भी इन्फेक्टेड HIV इन्फेक्टेड सिरिंज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इस पर इससे सावधानी बरतना चाहिए, ये नहीं यूज़ करना चाहिए।